तो इस तरह से मुझे कुछ मेटल का बनवाना है। 800 रुपए का ये बना है, बस इतना सा चीज। बस इसका टोर भी अच्छा खासा हो तो अच्छा रहेगा। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई नो क्या सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। मैं भी मजे में ही हूँ और बिल्कुल बढ़िया भी हूँ यार। मैंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए ये मोटर बुलवा ली थी, लेकिन इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। ये बिल्कुल अजीब सा साउंड कर रही थी और साथ में इसका टोर्क वगैरह भी इतना कुछ खास लगा नहीं था मुझे। लेकिन साउंड का ये सुनकर कुछ लोगों ने बोला था कि इसे रिटर्न करवा दो क्योंकि खराब हुई है। लेकिन जब मैंने इसके सेलर से, जिससे मैंने इसको परचेस किया है, उससे बात करी तो उसने बोला कि भाई इसको फिक्स करके देखो, मतलब एक बार फिक्स कर लो, जहाँ पर भी आपको लगाना है तो ये साउंड नहीं करेगी। यार इसको अगर मुझे फिक्स करना है ना, तो इसका एक्सल देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नट वगैरह नहीं कसाने लायक है। इसको थोड़ा अलग टाइप से अटैच करना पड़ता है। इसमें दो प्लेट टाइप की आती है जो दोनों तरफ से कुछ इस तरह से इसको पकड़ लेती है और फिर राइट साइड में नट कसा जाते हैं। तो वो चीज तो मुझे ऑनलाइन कहीं पर भी मिल नहीं रही है, उस चीज को बनवाना ही पड़ेगा दुकान पर जाकर। तो पता नहीं है दुकान वाला भी वैसा बना पाएगा या फिर नहीं बना पाएगा, लेकिन हाँ मैं अभी सैंपल जरूर से बना लेता हूँ खुद से और फिर उसको ले जाकर बता दूंगा कि किस तरह से उसे बनाना है। और अभी मुझे जो दो पट्टी बनानी है उसका सैंपल बनाने के लिए मैं इस थर्माकोल का यूज कर रहा हूँ। एक बार सैंपल बना देंगे तो फिर उसको समझाने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो अभी तुम्हें यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीच में आधा कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है शाफ्ट का, इसका मुझे साइज का बनानी है प्लेट। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस थर्माकोल को कुछ इस तरह से नाप लेता हूँ और इसके साइज का काट लूंगा मैं। ये देखो ये मार्क हो चुकी है शाफ्ट, यहाँ से मुझे इतना उड़ाना पड़ेगा इतना। देखो अभी मैं यहाँ पर इसकी मदद से बना रहा हूँ ना, सैंपल बना रहा हूँ, तो ये तो आसान रहेगा, लेकिन लोहे से बनता है या फिर नहीं बनता है वो मुझे पता नहीं है और मुश्किल तो बहुत रहने वाला है। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पर दो पीस बना लिए हैं, थर्माकोल के बनाए हैं, बहुत जल्दी बन भी गया है। और एक साइड मैंने थोड़ा हाफ रखा है देख सकते हैं, और एक साइड में राउंड रखा है, और अब ये यहाँ पर फिक्स आ जाएगा हमारे हाफ वाले सेक्शन में। तो इस तरह से मुझे कुछ मेटल का बनवाना है बिल्कुल मजबूत वाला, तो फिर ये जो है शाफ्ट अच्छे से हमारा वजन भी संभाल पाएगी और इसे हम अच्छे से टाइट भी कर पाएंगे। चलते हैं अब इसे लेकर लोहार के पास। वैसे अभी यहाँ पर जो है बीच में मुझे काम मिल चुका है, मतलब यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। तो इसका माउंट यहाँ पर बनने का थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी मैं यहाँ पर रख कर जा रहा हूँ। अभी एक दो घंटे बाद वापस आना पड़ेगा, तब जाकर मुझे मिलेगा माउंट। तो गाइस मैं अभी मोटर को तो रख कर आ गया हूँ माउंट उसका बनवाने के लिए, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि एक घंटा समथिंग हो गया है और अभी तक शायद बना दिया होगा। लेकिन मैं साथ में उसके साथ में एक और चीज़ बनवा लूँगा सोच रहा हूँ, कंट्रोलर और बैटरी रखने के लिए जगह भी। तो देखता हूँ अगर उनके पास साधन हुआ तो ज़रूर से बनवा लूँगा, अदरवाइज मुझे वेट करना पड़ेगा और बाद में देखेंगे। तो अभी तो मुझे मोटर टेस्ट करनी है फिक्स करके कि वो ख़राब है या फिर सही है, वॉइस करेगी, आवाज़ करेगी या फिर नहीं करेगी, वो मुझे देखना है। मैं जो इलेक्ट्रिक स्टिक बना रहा हूँ ना, उसमें मुझे कंट्रोलर को भी कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा, साथ में बैटरी को भी एक लाइन में रखना पड़ेगा। तो स्टिक थोड़ी पतली बनानी है तो फिर मुझे लंबा थोड़ा स्पेस बनवाना पड़ेगा, जो मैंने दिमाग में लगा रखा है अभी कैसा क्या करवाना है। लेकिन अभी देखते हैं, जाकर देखूंगा तो पता चलेगा, और वहाँ पर थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे अंकल तब पता चलेगा। थोड़ा मजबूत भी बनना चाहिए, तो ज़्यादा पतला बनवाऊंगा ना तो फिर उसमें भी थोड़ा रिस्क रहेगा, तो मजबूत बनना चाहिए और चलना चाहिए बस। तो देखो गाइस मैं मोटर लेकर यहाँ पर आ तो चुका हूँ और यहाँ पर मुझे बैटरी और कंट्रोलर रखने के लिए कुछ इस तरह का जुगाड़ मिला है, तो इसके जरिए मैं रख सकता हूँ भाई अपना कंट्रोलर और बैटरी, और जो मोटर है वो कुछ इस तरह से इसके पीछे माउंट हो जाएगी। और इसके अलावा मोटर माउंट जो है थोड़ा बहुत बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से भी फिक्स नहीं हो रहा है, तो अभी ये थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे अंकल जी। और अभी यहाँ पर जुगाड़ लगा रहे हैं ग्राइंडर की मदद से क्योंकि बड़ी मशीन से काम नहीं हो रहा है। ओके, तो फाइनली यहाँ पर मोटर माउंट बनकर रेडी हो चुका है, बस इसमें नट कसने के लिए जो है रिंग्स बनानी बाकी है, तो ये भैया बना रहे हैं अभी, और उसके बाद में हमारा माउंट कम्प्लीट हो जाएगा। इस अभी यहाँ पर रात हो चुकी है और मेरा बस इतना ही काम हुआ है, देख सकते हैं सिर्फ ये चीज़ बनी है और ये 800 रुपए की पड़ी है, बाकी का काम हम कल वल करवाएंगे भाई। ओके गाइस, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है किस तरह से यहाँ पर करवा लिया है इसके माउंट को। ये रहा हमारा माउंट, देख सकते हैं बहुत भारी वर्कम है और बहुत महंगा भी है भाई, 800 रुपए का ये बना है बस इतना सा चीज। बाकी इसकी मुझे बॉडी भी बनवानी है, जो कि मैं बनाना चाह रहा हूँ वो कल होगा, क्योंकि अभी जो है अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, तो फिर काम बंद हो गया था। तो अभी हम इसको लगा कर देख लेते हैं इसमें कैसा क्या फिक्स आ रहा है। वहाँ पर मैंने लगा कर भी नहीं देखा, बस उठा के ले आया था, तो लगा कर देखते हैं। लगेगा कुछ इस तरह से और ये लगेगा कुछ इस तरह से, और अब यहाँ पर हम नट कस देंगे बस। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से ये कसा चुका है और अब ये माउंट हो चुका है अच्छे तरीके से शाफ्ट, और ये कहीं पर भी घूमेगा नहीं क्योंकि ये अटक चुका है यहाँ पर, तो परफेक्ट तरीके से हो चुका है। एक बार हम इसको इसी तरह से चलाकर भी देख लेते हैं कैसा क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। वैसे रिस्पॉन्स तो क्या आएगा, वही जैसी चल रही थी वैसी मोटर चलेगी, लेकिन फिर भी एक बार हम चलाकर देख लेते हैं। ओके, सो अभी मैंने सारा कनेक्शन कर दिया है और अब हम इसको रन करके देख लेते हैं।
ओके, इस बार तो ऐसा कोई साउंड मुझे लग नहीं रहा है, इसमें कुछ भी साउंड नहीं कर रही है। बस इसका टॉर्क भी अच्छा खासा हो तो अच्छा रहेगा। पता चलेगा यार जब प्रोजेक्ट बनेगा ना तब पता चलेगा, क्योंकि ऐसे में कुछ पता नहीं चल रहा है। लंबा राइड लगे ना तब पता चलेगा इसका टॉर्क वगैरह। ओके डन, हमारा जो माउंट बनाना था वो हो चुका है 800 रुपए खर्चा करके। यार आज के वीडियो में तो ऐसे ही अंधेरा हो गया बस इसको बनाने में। वैसे मैं चेसिस बनवाने वाला हूँ इसका, मतलब चेसी बनवाने वाला हूँ, उसके बाद में जो है हम बैटरी वगैरह पर काम करेंगे। बस एक बार इसका साइज डिसाइड हो जाए और डिजाइन डिसाइड हो जाए फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कैसे क्या इसको चलाने वाला हूँ, तो पता चलेगा, वेट करो थोड़ा। तो कल करते हैं इसको आगे का काम शुरू इस पर।